ट्रीडो फाइटा की कितनी क्लासेस हैं? इंटरव्यू क्वेश्चन होगा, ठीक है? बताना है कि सर चार सब डिवीजन है, पहली फिलिको फाइटा, सॉरी पहली साइलो फाइटा, दूसरी लाइको फाइटा, तीसरी आर्थरो फाइटा, चौथी फिलिको फाइटा। जो लाइको फाइटा है ये लाइकोपोडियम वाली डिवीजन है, लाइको से लाइकोपोडियम। लिखते जाएं, बता रहा हूं कवर कैसे करना है। आर्थ्रोफाइटा जो है ये जॉइंटेड ऑर्गेनिजम्स हैं। जॉइंटेड मतलब एक्विजिटम का जिसम जॉइंटेड होता है, क्या होता है? साइलोफाइटा जो है वो साइलोटम, फिलिकोफाइटा ये फंज वाली डिवीजन है। कौन सी? फंज, ठीक। फंज की सबसे जो बड़ी फैमिली है उसका पूछेंगे, वो बताना है सर पॉलीपोडियेसी फैमिली है। फंज की सबसे बड़ी फैमिली पॉलीपोडियेसी। एक्विजिटम की फैमिली एक्विजिटेसी, ठीक। इसी तरह जो ड्राई ऑप्टेरस है प्लस एडियंटम है प्लस टेरिडियम फर्न है, ये वाले फर्न्स हैं लेप्टोस्पोर एंजिएट। कौन से हैं? लेप्टोस्पोर एंजिएट। जबकि ऑफियोकोलोजम जो है ये है यूस्पोरेंजिएट फर्न। कौन सा? यूस्पोरेंजिएट। और जो वाटर फर्न्स हैं वो तीन है, लिखें साल्विनिया, एजोला और मार्सिलिया। ये तीनों वाटर फन है। वाटर फन क्यों कहते हैं? ये पानी में पाए जाते हैं। क्यों पानी में पाए जाते हैं? और मेंबर किसके हैं? ये हैं प्रोटोलेप्टोस्पोरेंजिया। ये वाले किसके हैं? जो आम फन हैं, टेरेस्ट्रियल फर्न, ड्राइऑप्टेरस एडिएंटम टेरिडियम, ये मेंबर हैं लेप्टोस्पोरेंजियोपसीडा के। जो ऑफियोगोलोजम है ये है यूस्पोरेंजियोपसीडा के का, यूस्पोरेंजिएट फर्न। जबकि वाटर फर्न जितने भी हैं ये प्रोटोलेप्टोस्पोरेंजिएट है, प्रोटो लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न। इज एवरीथिंग क्लियर? आगे चलें। जो फंज की सबसे बड़ी फैमिली है पॉलीपोडियेसी, जिसका लिविंग मेंबर है पॉलीपोडियम। पॉलीपोडियम फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो हैं ड्राइऑप्टेरस एडिएंटम टेरिडियम। ये बिलोंग करते हैं लेप्टोस्पोरेंजियोपसीडा क्लास ऑफ फन से। लेप्टोस्पोरेंजियोपसीडा मैंने ऊपर बताया ना, जिनके अंदर आउटर सेल स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो आउटर डॉटर सेल से बनता है। जो ऑफियोगोलोजम है ये है यूस्पोरेंजिएट फर्न, मतलब कि इसका जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोर प्रोड्यूस करने वाला टिश्यू, वो इनर डॉटर सेल से बनता है। जबकि साल्विनिया, एजोला और मार्सिलिया जो हैं ये प्रोटो लेप्टोस्पोरेंजियोपसीडा से हैं। अब क्लियर है सबको? जिनका टेस्ट क्लियर हो चुका है ना मेरे सेशन से, वो तवज्जो से सुने ये लेक्चर। अब क्लियर है सबको?
आंसर करें।